अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि गूगल ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म पर गूगल खुद गूगल एडसेंस के जरिए अपने क्रिएटर्स को अर्निंग देगा और बहुत ज्यादा देगा। तो इस पर हमने काम कैसे करना है, इस पर अर्निंग का कितना पोटेंशियल है और इस पर हमने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये तमाम डिटेल आपको आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में देने लगा हूँ। जहां तक इस पर काम करने का सवाल है तो मुझे तो लगता है इस पर काम करना इतना ही आसान है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बनाया ही उन लोगों के लिए किया है कि जिनका अभी अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है या अपनी कोई वेबसाइट या ब्लॉग वगैरह नहीं है और वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे, लेकिन वो फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर छोटी मोटी पोस्टें वगैरह कर लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपने जस्ट ऐसे ही पोस्ट वगैरह करनी है जैसे कि आप फेसबुक पर अपनी पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं, उस पर गूगल ने अपना एड रन करना है और उसकी अर्निंग वो फिर आपको मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए फ्यूचर में कितना यूजफुल हो सकता है ये तमाम डिटेल हम जान रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जा रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हाँ नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप तक बर वक्त पहुंच जाए। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये देखिए मैंने गूगल एडसेंस जो साइट है ये ओपन कर रखी है, google.adsense.google.com। इस पर अगर हम नीचे देखें तो गूगल ने खुद मेंशन किया हुआ है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म की गूगल एडसेंस के जरिए अर्निंग देता है, पैसे देता है, पेमेंट देता है। तो ये देखिए लास्ट पर अगर आप देखें तो गूगल ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है यूफैन। यूफैन अगर हम इस पर देखते हैं कि इस पर हमने अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और इस पर हमने काम कैसे करना है। जी तो गूगल पर हम लिखेंगे यूफैन, ये पहला लिंक है यू.फैन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यूफैन शेयर योर पैशन एंड अर्न। यहाँ हमने अपना पैशन, हमने अपनी पोस्ट वगैरह वो अपलोड करनी है, शेयर करनी है जिससे हमें अर्निंग होगी। अर्निंग का मैंने आपको बता दिया है कि गूगल अपने एडसेंस के जरिए देगा, वो अपने यहाँ ऐड रन करेगा और उनके जरिए हमें अर्निंग होगी। ये काम हमने कैसे करना है चले हम स्टार्ट करते हैं। ये नीचे आप देखें, ये नीचे लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की भी हुई है, ट्रेंडिंग में है, यहाँ आप इनका तरीकाकार भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उससे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें यहाँ आप, या आप नीचे हैं यहाँ और क्रिएट प्रोफाइल यहाँ पर अभी आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ये साइन अप का पेज आया है। साइन अप हम कैसे कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल अकाउंट भी कर सकते हैं, साइन अप विद फेसबुक अकाउंट भी कर सकते हैं। तो हम साइन अप विद गूगल करते हैं। ये तो यहाँ ये कह रहे हैं अपना अकाउंट चूज करें, तो मैंने इस अकाउंट को चूज कर लिया। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी तो देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ ये कह रहे हैं चूज ए प्रोफाइल नेम, तो हम यहाँ अपना प्रोफाइल नेम दे सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जी तो नाम देने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। जी तो देखिए हमारी प्रोफाइल ओके हो चुकी है, हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, जस्ट हमने दो क्लिक किए हैं और हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। ये नीचे हम एक इसका बैनर लगाएंगे, ये पिक्चर पर हम क्लिक करते हैं या एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, वहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक पिक्चर ये ले लेता हूँ। जी तो मैंने ये यहाँ पेज लगा दिया, इसके बाद हम यहाँ अपना लोगो भी लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, ये देखें। जी तो देखिए यहाँ मैंने अपना लोगो भी लगा लिया, लोगो की जगह अपनी पिक्चर लगा ली और पीछे बैनर लगा लिया है। उसके बाद अब हम मजीद नीचे आते हैं या इसे हम सेव कर लेते हैं तो हमारी जो इतना हिस्सा है वो सेव हो जाएगा। थोड़ा नीचे हम देखें तो हमारा यहाँ यूजर नेम भी आ रहा है, उसके बाद हमारे ये लिंक भी जो है वो बन गया है, हमारी जो बायो है वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जी तो मैंने अपनी बायो में अर्न मनी ऑनलाइन लिख दिया है। नीचे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी में मैं एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सिखाते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। जी हमारी प्रोफाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ हम हमारी अभी पोस्टें जीरो हैं, फॉलोअर भी जीरो हैं और लिंक्स भी जीरो हैं, क्योंकि अब हमने अभी नई ये प्रोफाइल को क्रिएट किया है तो अभी सब कुछ यहाँ जीरो है। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ हम डेली की पोस्टें वगैरह लगाएंगे। तो पोस्ट वगैरह लगाने के लिए ऊपर प्लस का आइकॉन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक छोटा सा पॉपअप आएगा, तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं न्यू पोस्ट। हम
एक नई पोस्ट लगा सकते हैं, न्यू लिंक, हम यहाँ लिंक भी लगा सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल हम यहाँ 5 पोस्ट लगा सकते हैं, हम यहाँ अपना लिंक भी लगा सकते हैं। लिंक कैसे लगाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा कोई यूट्यूब चैनल है तो हम अपनी कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो हम ये न्यू पोस्ट पर उसका टाइटल लिख देंगे और नीचे न्यू लिंक पर अपनी वीडियो का लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए क्या होता है कि हमें चीज़ों के लिंक चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ ऊपर उस चीज़ की फ़ोटो लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं या उसका टाइटल लिख सकते हैं, नीचे हम अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए उसका लिंक यहाँ पेस्ट करेंगे। इसका हमें फ़ायदा फिर ये होगा कि यहाँ से ऑडियंस हमारी उस प्रोडक्ट पर जाएगी और वो जब सेल होगी तो वहाँ हमें वहाँ से भी फ़ायदा होगा, और इन पोस्टों पर जब व्यूज़ आएंगे तो यहाँ से एडसेंस के जरिए भी हमें अर्निंग होगी। तो चले हम पोस्ट करके देखते हैं। मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में हम जाने के बाद यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर अपलोड करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ कोई लिंक लगा देते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो हमारी ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ये देखिए पिक्चर अपलोड हो गई है, इस पर 0 व्यूज़ हैं, 0 लाइक्स हैं, और यहाँ से लोग व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी इस पोस्ट पर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ आप कोई भी किसी प्रोडक्ट का लिंक लगाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, तो जब यहाँ से कोई शख्स आपके लिंक पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट पर जाएगा। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर चले जाएं। यहाँ देखिए ये दराज एफिलिएट मार्केटिंग है, इस वीडियो को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ कोई अपनी वीडियो का लिंक लगाना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो ओपन करें, ये वीडियो आ गई है, इसका ये ऊपर URL जो होता है इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और फिर इसे अपने यूफान पर जाकर लगा सकते हैं। तो मैंने ये इस पोस्ट को अपलोड कर दिया है। अब जब इस पर व्यूज बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये जो पेज है ये मोनेटाइज हो जाएगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो गूगल की तरफ से इस पर ऐड चलेंगे जिसकी हमें अर्निंग होगी। अब देखते हैं कि यहाँ अर्निंग कितनी हो रही है, ये यूफोन वाले कितने अर्निंग दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पीछे चले जाते हैं जी। तो हम जब दोबारा यूफोन के पेज पर आते हैं तो यहाँ आप नीचे देखिए ये लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, और वो किस तरह की प्रोफाइल इस पर लगा रहे हैं, किस तरह की पिक्चर्स अपनी प्रोफाइल में अपलोड कर रहे हैं, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये इनका एक चैनल है या इनकी इनका एक अकाउंट देख लें, इनका ये सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अभी हमने अपनी प्रोफाइल वहाँ क्रिएट की है तो जब कोई और शख्स हमारी प्रोफाइल को ओपन करेगा या हमारी प्रोफाइल उनके सामने शो होगी तो कुछ इस तरह से शो होगी, उनकी तरफ सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आ रहा होगा, और नीचे इस तरह की ये जो पोस्ट हम अभी कर रहे हैं ये पोस्टें भी वहाँ शो हो जाएंगी। ये देखिए लोगों ने यहाँ अपनी पोस्टें अपलोड की हुई हैं, ये देखें इनके 317 लाइक्स हैं और व्यूज़ भी नीचे आए हुए हैं, और ये जो चैनल है इस पर सब्सक्राइब करेंगे तो इनके फॉलोवर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। ये तो ये आप पोस्टें देख सकते हैं, इस तरह की पोस्टें आपने इस पर अपलोड करनी है। अच्छा सा थीम लगाएं, अच्छे से पिक्चर लगाएं, डेली के आप 15 से 20 पोस्टें स्टार्ट में अपनी इधर अपलोड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अभी आप लिंक रहने से जब आपका ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो उस पर आप उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पिक्चर भी लगाएं, लिंक भी लगाएं, ताकि आपको इधर से भी फ़ायदा हो और आपकी प्रोडक्ट में भी की सेल में ज़्यादा इजाफा होता चला जाए। तो अगर हम थोड़ा पीछे आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अर्निंग हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो ये आप पेज देख सकते हैं, इस पर ये नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ एक साल में $10,529 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। तो हम चूँकि एशिया में रहते हैं तो एशिया पर हम क्लिक करेंगे तो देखें आप एक साल में $1,175 मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। ये देखें एनुअल अर्निंग उन्होंने शो की हुई है, तो यहाँ से आप $1,175 अर्न कर सकते हैं। इस अगर आपके यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर हैं, टिकटॉक पर 10,000 फॉलोअर्स हैं, और इसके अलावा फेसबुक पर आपके 10,000 फ्रेंड्स हैं या इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, फेसबुक पर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, ये देखिए अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2-3 लाख अगर आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं, या जैसे भी थोड़े बहुत आप ज़्यादा कर के देख सकते हैं, तो आपकी वैसे ही यहाँ से अर्निंग भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा सा बनाएं, उसकी बायो अच्छी लिखें, उसकी कैटेगरी अच्छे से चूज करें और उस पर प्रॉपरली काम करते जाएं।
जी, तो अब हम देखते हैं कि इस पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो हम अपने पेज पर चले जाएंगे दोबारा, और ये थ्री लाइन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे सेटिंग पर अगर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखें यहाँ वेरीफाई योर ईमेल, पहले हमने अपना ईमेल वेरीफाई करना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद क्राइटेरिया में क्या चीज़ शामिल है, अपलोड मिनिमल अमाउंट ऑफ पोस्ट, हमने कम से कम 30 पोस्टें हमारे इस अकाउंट पर होनी चाहिए, 30 पोस्ट हम कर चुके हों। उसके बाद गेट द मिनिमल अमाउंट ऑफ व्यूज, कम से कम 10,000 व्यूज़ हमारे चैनल पर आ चुके हों। उसके अलावा गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर, कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, एंड पास ए कंटेंट क्वालिटी चेक। जब हमारी ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जब हम अप्लाई हो जाएगा, हमारा ये रिव्यू इस पर कंप्लीट हो जाएगा, चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे इन पोस्टों पर क्या होंगे, ऐड चलने स्टार्ट हो जाएंगे, और उन ऐड की फिर हमें अर्निंग हुआ करेगी। अभी तो इसमें इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल कम है, बहुत कम लोग हैं, और हो सकता है जिन लोगों ने अभी इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल क्रिएट कर ली तो बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग पहले से ज़्यादा हो जाएगी बजाय उनके कि जो लोग अभी इसके बाद आएंगे। तो जैसे जैसे आपके फॉलोअर ज़्यादा होते जाएंगे, आपके एड्स आपकी पोस्टों पर एड ज़्यादा चलते जाएंगे, और उसका आपकी अर्निंग पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। इस पर काम करना आसान है, लेकिन इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस पर काम करना है नहीं करना, ये फैसला अब आपने करना है। ये भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, इसके अलावा और भी आपके पास बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।